हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई की मदद से हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। और ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं, एक क्लास है, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, लाइव क्लासेज है। और ये अभी ग्रुप क्लास है 8 PM का, जिसमें अभी कुछ स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, टीम्स के साथ लाइव रहेंगे मेरे साथ। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, देख सकते हैं इतने सारे मेंबर्स हैं जो कि क्लासेस ज्वाइन करते हैं। हर क्लास की लाइव होती है, साथ में रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ग्रुप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी नेक्स्ट ग्रुप क्लास स्टार्ट होने वाली है 16 अक्टूबर। जी हाँ, 16 अक्टूबर रात को 9 बजे। तो एनरोल कैसे करेंगे, उसके लिए आपको खोलना है bi.iptindia.com। जी हाँ, bi.iptindia.com, वहां पे जाना है। यहाँ पे आपको कोर्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, इसमें पावर बीआई प्लस सिक्वल दोनों इंक्लूडेड है। और ये 35 डेज की क्लासेस है, इसकी फीस जस्ट 2,000 रुपये पड़ेगी। मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लास होगी और 9 बजे रात में स्टार्ट होगा। इसमें कंप्लीट पावर बीआई डैक्स फंक्शन, डैशबोर्ड, पावर क्यूडी, एसक्यूएल सर्वर, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। बुक करने के लिए आप यहीं पे डायरेक्ट पेमेंट करके बुक करना चाहते हैं सीट, तो यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डेमो क्लास देखूं, तो यहाँ पे 8 PM की डेमो क्लासेस को बुक कर सकते हैं। तो फटाफट कीजिए और इस वीडियो में बने रहें, अभी मैं एक डैशबोर्ड बनाकर दिखाऊंगा। तो देखिए पावर बीआई में डैशबोर्ड कैसे बनता है। आज की क्लासेज में हम आपके साथ बात कर रहे हैं पावर बीआई में हम एक डैशबोर्ड आपके साथ बनाए, ठीक है। और इस बार डेटा जो होगा वो मैं एक्सेल से नहीं, डेटा मैं एसक्यूएल सर्वर से लूंगा। आज की जो पावर बीआई क्लास है उसमें डेटा कहां से आएगी, एसक्यूएल से आएगी, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर में एक बार देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास टेबल्स है, तो न्यू क्वेरी पे आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्या कौन कौन सा डेटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीटीए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, मतलब मैंने साझा नहीं किया क्या? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, दिख रहा है आप? फ्रॉम डीटीए, और यहाँ पे एक्सक्यूट करते हैं, डेटा आ गया। ये छोटा डेटा है तो डीटीए नहीं लेते हैं हम, लेते हैं डीटी, डीटी करते हैं। हाँ, डीटी थोड़ा अच्छा डेटा है। डीटी के बाद हम डीएस करते हैं, डीएस भी अच्छा डेटा है। कट में जाते हैं जी, हाँ डीएस ही लेते हैं हम। ठीक है, और डीएस में हमारा ईयरली डेटा है। तो यहां पे हम सबसे पहले आते हैं फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, यहां पे हम अपना कमांड डालते हैं, क्यूरी डालते हैं, सर्वर का यहां से लेते हैं। सर्वर नेम डेटाबेस में यहाँ पे 8 PM का डेटा लेते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि नंबर है, नंबर ही रहता तो डायरेक्ट में डाल देते हैं। और यहीं पे हम सिलेक्ट करते हैं,
इतना हो गया। अच्छा इसमें हम एक काम करते हैं, 8 PM का नाम चेंज करना होगा सर, ये नाम 8 PM से दिक्कत हो रहा है। सेलेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम डीएस, ठीक है आ गया डेटा, और यहीं पे हम इसको लोड करते हैं। ट्रांसफॉर्म करके पावर क्वेरी पे जाना है कुछ चेंज वगैरह करने के लिए, तो फिलहाल मुझे नहीं जाना है तो मैंने लोड कर दिया। लोड होते हैं हमारा यहाँ कहाँ आ गया, पावर बीआई में। तो पावर क्वेरी में बस इतना ही होता है, पावर क्वेरी में आपने डेटा वहां से ले आया, अब इसके बाद एसक्यूएल का कोई रोल नहीं, अब इसमें पूरा का पूरा पावर बीआई का रोल हो, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एसक्यूएल से डेटा पे पिवट बनाइए, तो डेटा जब लैंड हो गया पावर बीआई में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेटा यहाँ पे लैंड हो चुका है, अब मुझे यहां बनाना है। इस पर मैं थोड़ा सा ग्राफिकल जो है डैशबोर्ड बनाना चाहता हूं, ठीक है, ग्राफिकल डैश, ओके। इंसर्ट पे आते हैं तो इस सैप्स, बहुत सारे सैप्स हैं हमारे पास, ये वाले सैप्स जो है मैं लेना चाहूंगा और इसको पूरे टेबल में डालना चाह रहा, अब इसकी जो सैप का जनरल में आते हैं, इसमें टाइटल आना, इफेक्ट में आते हैं, बैकग्राउंड ऑफ, इफेक्ट तो ऑफ है, इसमें सैप्स में सैप्स स्टाइल फिल कलर ऑफ कर देंगे, नहीं फिल कलर ऑफ नहीं करता हूं, इसकी जो बैकग्राउंड ऑन करता हूं, फिल कलर में ये इतना डार्क नहीं, हल्का सा ग्रे कलर देना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम कर देना है कि ग्रे भी लगे तो हल्का ग्रे लगे, ठीक है। लोगे इसकी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर कलर को भी सेम कर देना है जो है, लेकिन बॉर्डर की जो मोटाई है ना वो थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहूंगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं 40% के आसपास करना चाहूंगा, अब इसमें मुझे कुछ चार फिगर चाहिए, तो सैप्स के लिए ही इस्तेमाल रेक्टेंगल लेता हूं, ठीक है, और इसकी जो स्टाइल में इसका जो बैकग्राउंड है वो कर देता हूं वाई, और जो इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो टेक्स्ट कलर, ये जो बॉर्डर है बॉर्डर सैप स्टाइल में बॉर्डर को हटा देता हूं, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। अब इसको हम यहां, मुझे इसको इसमें चार चाहिए, चार थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब इसी को कॉपी किया पेस्ट किया, इसको आगे करता हूं, कॉपी किया पेस्ट किया, ये थोड़ा आगे करता हूं, थोड़ा सा और छोटा करता हूं, तो इस बार जो है हम चार जो बनाने वाले हैं डैशबोर्ड, थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरफेस पे बनाने वाले हैं, ग्राफिक्स इतना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बार बार हो जाता है तो बाहर क्लिक करना है आपको,
ठीक है। अब इन चारों को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दी। ऐसा क्यों किया? ताकि जब क्लिक क्लिक करते तो छुप जाता है और छुपे नहीं। और इसे हुआ तो इसको हमें कलेक्शन स्टाइल ग्लो रोटेशन में रोटेट करना है शेप्स के अंदर में, तो ठीक है। जनरल के अंदर प्रॉपर्टीज है पोजीशंस पैडिंग, तो ठीक है। एडवांस ऑप्शन सॉरी मेंटेन प्ले ऑर्डर करेंगे तो ठीक है। बहुत सही हो जाएगा, ए हो गए। अब यहां ये तो हो गया, अब इसके ऊपर जो मुझे रखना है अपना डेटा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल इनवाइस कि टोटल इनवाइस कैसे कितना जनरेट हुआ है। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर आईडी को काउंट करना है। तो यहां हम आते हैं इस पे और इसके ऊपर अपना हम अपना डेटा में से जो हमारी इनवाइस आईडी है ऑर्डर आईडी, उस ऑर्डर आईडी को यहां रख देता हूं और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे काउंट। ये हमारा टोटल कितने ऑर्डर्स हैं यहां पे रखते हैं। अब यहां पे रखने के बाद मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करने होंगे। चेंजिंग में सबसे पहले तो हमें कैटेगरी का जो लेबल है ये लेबल हटाना है और ऊपर जो टाइटल है यहां पे टाइटल ऑन करना है, यहां पे लिखना है टोटल बिल, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा मैं करना, इफेक्ट में बैकग्राउंड व्हाइट है, अनुभव व्हाइट है तो ठीक ही रहेगा। इनका आइटम ये हो गए। अब मुझे इसके ऊपर नीचे हमें लाइन चार्ट चाहिए यहाँ, तो लाइन चार्ट में हम यहाँ पे अपना मंथली देखना चाहते हैं, ऑर्डर डेट और इसमें हमने अपना सेल्स को रखा और इसमें से मैंने डे हटा दिया, क्वार्टर हटा दिया, ईयर हटा दिया, डेट हटा दिया, है नहीं? इसमें देखो डेट तो रखना ही था, सिर्फ डेट नहीं, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट को रखा मैंने यहाँ पे, ईयर हटा दिया, क्वार्टर हटा दिया, डे हटा दिया, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में आते हैं, मुझे एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे वाई एक्सेस नहीं चाहिए, कैटेगरी एक्सेस नहीं चाहिए, जितना रहे सबको ऑफ कर देंगे, कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए, हिडन आइकन नहीं चाहिए, टूल टिप नहीं चाहिए। अब ये मंथ लिखा हुआ क्यों आ रहा है, मंथ और ये भी तो हटाना था, मंथ के इसके अंदर टाइटल हटा दीजिए और वाई एक्स के अंदर जो टाइटल है सेकेंडरी एक्सेस में टाइटल है वो हटा दीजिए। ठीक है, और इसको हटाने के बाद इसको यहां से छोटा कीजिए। अब पीछे का जो नंबर है हमारा वो नहीं दिख रहा है, तो कैसे दिखेगा? तो इसके इफेक्ट में आइए और इसका जो बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी वो 100% होगी, ठीक है। ये टोटल बिल है इसको हम साइड में,
इसको इस तरह से मैनेज कीजिए इसके बैक एंड वाला, ठीक है सर। ओके अब इस दोनों को हमने यहां से और इसको तीनों में सेलेक्ट करना चाह, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद इसको उठा के यहां पे सेटल कीजिए, कॉपी पेस्ट उठाइए यहां से देखिए, कॉपी पेस्ट उठाइए यहां से देखिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो टोटल बिल है इस पे मुझे टोटल क्या रखना है, बिल हटा देना है और बिल के जगह पे मुझे अपनी सेल्स को रखना है और जाना है यहां पे फॉर्मेट में। सबसे पहले तो यहां पे जो टाइटल है, टाइटल में टोटल बिल के यहां पे टोटल रेवेन्यू कर देना है यहां पे। उसके बाद विजुअल पे यहां पे आइए, वैल्यू के अंदर डिस्प्ले यूनिट ऑटो है उसको हम लोग मिलियन कर देते हैं, ऐसा बढ़ा दीजिए इसको। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको ऑटो के जगह पे जीरो कर दीजिए। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा सेल्स है सम ऑफ सेल्स इसको हटाइए, नहीं यहाँ पे सम ऑफ सेल्स नहीं रखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे रखना चाहिए था ऑर्डर आईडी, कितना इनवाइस बना काउंटर ऑर्डर आईडी, इसके अंदर देना था मुझे सम ऑफ सेल, तो रहा सम ऑफ सेल, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अपनी क्वांटिटी देनी है, जो हमारा क्वांटिटी है वो क्वांटिटी देना है, तो क्वांटिटी में मैंने यहां पे कहां गया क्वांटिटी है, हाँ तो इसमें से हटा दिया और अपनी क्वांटिटी यहां पे डाल दी, और क्वांटिटी डालने के साथ यहां पे टोटल बिल हटा दिए, टाइटल में टोटल P2I कर दिया, और फिर विजुअल में यहां जो यूनिट है ना तो मैंने चेंज नहीं किया था उसको, 1000 यहां पे 0 और फिर यहां सेल्स हो गया, क्वांटिटी हो गई, और कितना शिफ्ट हुआ मुझे शिफ्ट चाहिए था, शिफ्ट कितना हुआ, तो यहां जो क्वांटिटी शिफ्ट क्वांटिटी मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है, मुझे अपना ये देखना है कि क्वांटिटी पर पीस मतलब रेट यहां पे निकालना है, तो रेट जो है ऐसे नहीं निकालना है, मुझे करना है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो यहां पे सम ऑफ सेल के जगह पे यहां पे क्वांटिटी रखता हूं सबसे पहले, ठीक है। और इसमें मुझे ये नहीं चाहिए जो लाइनिंग दिख रहा है, क्योंकि मुझे इसमें रेट निकालना है तो हमें लाइनिंग की जरूरत, या लाइनिंग रख भी सकते हैं, तो रेट जो है हम चाहते हैं कि डेटा में निकले, क्योंकि मुझे अगर मुझे टोटल ओवरऑल चाहिए तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना फ्लो भी दिखाना है कि रेट के क्या फ्लो है, देन हमें क्या करना होगा यहां पे एक नया कॉलम ऐड करना होगा। अब इस कॉलम के अंदर में हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, रेट लिया,
नहीं प्रॉफिट है ना, रेट छोड़ देते हैं, यहाँ प्रॉफिट हमारे पास है ना, प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो यहाँ हम इसको हटाते हैं और इसमें अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट है, और ये जो ऊपर टोटल बिल है इस पे, इसको हटा के इसके अंदर भी हम अपना प्रॉफिट रख देते हैं। और यहाँ आते हैं जनरल, एंटर, यहाँ पे टोटल रो फिल, और यहाँ वैल्यू में आते हैं और इसको फिर डेसिमल प्लेस से जीरो करते हैं और आने देंगे काफी। ठीक है सर, अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखिए ये ओवरराइड कर रहा है ना, तो इसकी जो इफेक्ट है हमारा इफेक्ट, इसमें ट्रांसपेरेंसी को 100% कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लाइनिंग यहाँ कट रही थी ना, अब नहीं कट रही, देख रहे लाइनिंग जो कट रहा था वो नहीं था। तो सब में जो आपका ये है जनरल में जो इफेक्ट है, इसका ट्रांसपेरेंसी को 100% कर देंगे। नो फिल करने का यही एक तरीका है, इसे एक्सेल में नो फिल कर देते हैं ना, यहाँ पे कट नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा पहला एक समरी बन चुका है। अब मुझे यहां पे अपना चाहिए पाई चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट। इसमें मैं अपना यहां से सेगमेंट जो है हमारा, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ नहीं रे, हाँ जी डिजिटल रे, में कोई डिजिटल इशू में है कोई क्या? इशू है क्या? इसमें आवाज आ रही है? आ रही है? हेलो आ रही है सर, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? डिजिटल आ रही है, आ रही है। में कुछ आपके प्रॉब्लम आंसर नहीं क्या? प्रॉब्लम अभी है क्या? तो आपके आंसर प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पे लिए और नहीं तो उसको यहाँ जैसे रिमोट का दे रहे हो, या दूसरे उसको में बुला यहाँ लो ना, वो प्रॉब्लम लड़का नहीं है, दूसरा सर जो है यार। ये है। फिर हाँ, फिर फायदा क्या है ऐसे लोगों को रखने का, अगर फायदा टाइम पे क्या आएंगे है नहीं आएंगे तो। नहीं तो माइक अनम्यूट करके आप लोग बात करते हैं प्लीज। अब यहां पे हम लेते हैं रीजन और रीजन वाइज अपनी सेल्स में, इसकी कलर जो है ये ब्लू हटा देते हैं, क्योंकि तो एक ही जैसा कलर होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप यहाँ कलर जो है इसकी बार्स का जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ मोर कलर में ग्रीन। अब यहां पे मैं एक कॉलम चार्ट लूंगा, कॉलम चार्ट में मैं अपना जो हमारा सब कैटेगरी है और जो सेल्स है, और सेल्स में सब कैटेगरी। अब मैं यहां पे एक लाइन चार्ट लूंगा, सॉरी लाइन जब भी सिलेक्ट करें बाहर क्लिक करेंगे लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट में मैं यहां पे ईयर वाइज सेल्स का फ्लो दे। हेलो,
एक कॉलम साथ मैं देता हूँ इसमें, वाटर सॉरी कॉलम साथ लिया, इस पर वाटरफॉल चार्ट एक लेता हूं और वाटरफॉल चार्ट को और इस बार जो डेट है ऑर्डर डेट वो मैं रखता हूं कैटेगरी में और इसमें मैं मंथ रखता हूं, ईयर हटा देता हूं क्वार्टर ईयर मंथ और सेल्स को मैं रखता हूं ब्रेकडाउन वाई एक्सिस में। इसे क्या होगा कि पता चलेगा कि हमारा कैसे सेल्स मैंने किस महीने ज्यादा सेल्स हो रहा है उतना चल रहा है। तो हमारे पास तीन चीजें है, ये तो ये हमारा आ गया होम, क्या आ गया होम आ। अब मुझे सेम इसी को कॉपी करता हूं मैं यहां पे, डुप्लीकेट पेज पे क्लिक किया, सेम डुप्लीकेट पेज ठीक है और एक मिनट डुप्लीकेट फिलहाल हटा देता हूं। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए, तो यहां तीन आइकन चाहिए। एक तो मुझे यहां होम का सेशन चाहिए कि होम आना चाहिए, फिर यहां पे दूसरा मुझे चाहिए जहां पे मैं अपने प्रॉफिट क्वांटिटी वाइज सेल्स वाइज क्वांटिटी वाइज प्रॉफिट वाइज मुझे चाहिए। जो सम ऑफ सेल्स है इसको मैं हटा देता हूं, इसके जगह पे मैं अपना ऑर्डर डेट का काउंट रखूंगा और इसका हम इसको हटाते हैं यहां से और इसमें हम ब्रेकडाउन में सम ऑफ सेल्स नहीं सम ऑफ प्रॉफिट रखते हैं। तो मिक्सअप होता हो तो यहां पे हम आते हैं मोर विजुअल, यहां पे इंसर्ट के अंदर शेप्स में, तो शेप्स में ए वाली शेप दिख रही है ना, इसी को लेते हैं और इसकी रोटेट करना है हमको इसको। रोटेशंस में हम यहाँ पे दो सौ सत्तर डिग्री हो गई हुआ, इसको यहां से करते हैं छोड़ना और यहां रखते हैं। अब इसके ऊपर मुझे इमेज ऐड करनी है और इमेज में होम आइकन होना चाहिए, तो मैं गूगल से होम आइकन ले सकता हूं, होम आइकन प्रिंट स्क्रीन। अच्छा इसकी जो कलर है शेप्स का जनरल में इफेक्ट बैकग्राउंड में उसमें ऑलरेडी कलर है स्टाइल के अंदर, ये हम ग्रे ले लेते हैं। इसका बॉर्डर हटा देते, मुझे इसकी बॉर्डर नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा हम सटा देते हैं इसके साथ ऐसा रहे इसका पार्ट। अब मैं अपना होम प्रिंट स्क्रीन से अपना होम स्क्रीन लेता हूं, और यहां हम इमेज पे कोई इमेज हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमें लोड ही करना पड़ेगा। तो स्क्रीन शॉट मैंने लिया है, स्क्रीन शॉट में यहां से होम वाला आया, अब इसको छोटा कीजिए, इस पर रखिए। और इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, इन्होंने क्या कर दिया ग्रुप कर दिया ताकि एक ही जैसा ही हैंडल हो। सेम इसी को कॉपी किया और इसको पेस्ट किया और नीचे आ जाए। अब नीचे जो इस पे होगा यहाँ पिक्चर्स जो है पिक्चर्स हटा देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, इस पे मुझे चाहिए सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स आइकन
हम ले आते हैं इंटरनेट से। मैं गूगल इमेज पे दूसरे स्क्रीन पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे पिक्चर नीचे आते ठीक है। सेल्स के बाद मुझे यहां पे आना है रेवेन्यू, सेल्स ही रेवेन्यू हो गया। यहां पे देना है अपना प्रॉफिट, तीन ही करना, ज्यादा नहीं करना प्रॉफिट, आप लोग ज्यादा कर सकते हो। उसकी इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं नीचे। और यहां पे हम प्रिंट स्क्रीन पे आते हैं, यहां पे इमेज ठीक है। अभी फिलहाल होम पे हैं, तो होम का जो इफेक्ट है, नहीं अभी अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, हो गया। अब इसी के तीन डुप्लीकेट मुझे बनानी है, तो डुप्लीकेट पेज ये हमारा सेल्स हो जाएगा, देन यहां पे अगेन डुप्लीकेट, यहां पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है। फिर होम पे ओवरऑल सेल आया, सेल्स के ऊपर सेल्स डेट होगा। वैसे यहाँ पे टोटल बिल हुआ, तो टोटल बिल में यहाँ पे हम ये करते हैं, कुछ और कर देते हैं उस पर, यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि टोटल बिल टोटल सेल्स ही तो रहेगा। ये जो दिख रहा है सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स आ गया, ये जो यहाँ पे आपका सेल्स है यहाँ भी सेल्स है, सही है सेल्स आ रहा है। नीचे जो हमने प्रॉफिट किया हुआ है यहाँ से काउंट ऑफ ऑर्डर डे, इस पे भी मैं सेल्स रख दूंगा, और यहां प्रॉफिट है इस पे प्रॉफिट के अगेंस्ट इन सेल रख दूंगा सम ऑफ सेल्स ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स वाला टैब दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली सेल्स वाली टैब, इसको इफेक्ट में इफेक्ट में आएगा बैकग्राउंड कलर नहीं, इफेक्ट बैकग्राउंड ऑन करते हैं, और यहाँ इस पे हम ग्रीन कर देते हैं। इसमें आ गया पिक्चर्स, तो आ गया पिक्चर्स पे आते हैं, स्टाइल नॉर्मल है, एक्शन नॉर्मल है, इस पे आते हैं, बैकग्राउंड नहीं है इसके में, तो पिक्चर का एक बैकग्राउंड होता नहीं है, इमेज स्टाइल नॉर्मल स्क्रॉलिंग फिट एक्शन ओके, तो पिक्चर्स को हटा देते हैं कभी तो इसको बॉर्डर कर दिया था मैंने, इफेक्ट बैकग्राउंड टाइम इसकी कलर ग्रीन करते हैं और इसके ऊपर डाल देते
ठीक है, ऐसा क्यों किया कि जब मैं इस यहाँ पे नॉर्मल होगा, यहाँ पे सेम चीज होम पे होगा, तो होम की जो बैकग्राउंड कलर होगा वो इफेक्ट में जाके इसकी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ऑन कीजिए और इसको कर दीजिए कल, सॉरी इसको हटाते हैं, इसको सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं, का स्टाइल नॉर्मल फिट। इसके फिल ग्रीन कर देंगे, इसे पता चलेगा कि ये है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइटेड होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हाईलाइट इफेक्ट। ठीक है, अब इन तीनों में हम हाइपर लिंक लगाते, अब इसमें सेल्स का हो गया और प्रॉफिट में मैं जो है इसको सिलेक्ट किया, इसमें सम ऑफ सेल हटा के सम ऑफ प्रॉफिट कर देता हूं, इसके अंदर भी सम ऑफ सेल हटा के हम सम ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर भी सम ऑफ सेल हटा के सम ऑफ प्रॉफिट, अदरवाइज स्टाइल कलर भी डिजाइन वगैरह भी आप ले सकते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे प्रॉफिट में, अब यहां पे एक काम और हो सकता है, यहां पे इफेक्ट में आते हैं, जनरल इफेक्ट बैकग्राउंड, सो यहां पे आते हैं विजुअल डेटा लेवल मार्कर लाइन, ये है ना कॉलम, कॉलम में हम एफएक्स पे आते हैं और यहाँ पे इंच टेक्स्ट नहीं, सब कैटेगरी नहीं, जो यहाँ डेटा के अंदर प्रॉफिट, प्रॉफिट चूज करना है, सम सही है और इज लेस देन, इसमें लेस देन नहीं है, रूल देते हैं इसे लेस देन है ही नहीं। अच्छा मैं इज ग्रेटर देन में लेता हूँ, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन परसेंट नहीं, हमने लेस नहीं, यहाँ पे मान लीजिए हम एक लंबा अमाउंट यहाँ पे हम मैक्स कर देता हूँ, मुझे मैक्स मैक्स आए और यहां पे इसकी कलर हम कर देते हैं मोरफिल में ग्रीन, और नॉर्मल जो ये हो गया अब यहाँ पे न्यू रूल्स में एक और लेते हैं, अब यहाँ पे ग्रेटर देन हम कर देते हैं माइनस
एक लंबा अमाउंट, और यहाँ पे लेस देन जीरो नंबर, यहाँ परसेंट की जगह पे नंबर, यहाँ पे नंबर, और इसकी कलर कर देता हूँ यहाँ पे रेड। ठीक है, तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह हो गया कि जो नेगेटिव होगा ये रेड बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट, इसके जगह पे भी हम क्या कर रहे हैं अपना काउंट ऑर्डर हटा के प्रॉफिट रख देते हैं, और इसके जगह भी हम अपना जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट ही था सम प्रॉफिट हिसाब, तीन हो गया। अब होम पे आते हैं हम, और इस पे जो सेल होम है इस पे राइट क्लिक करके स्पार्कलाइन की एजुकेशन ग्राफिकल इंटरफेस हमारा तीन बन चुका है। अब इसमें हाइपर लिंक लगाना है, मैंने सोचा था कि हाइपर लिंक लगा दूंगा इसमें, बट हाइपर लिंक का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, पिक्चर क्या आ रहा है फॉर्मेट में देता है नो, हाइपर लिंक आता तो था इसमें, बताया सर हाइपरलिंक कैसे लगेगा। एक्सबॉक्स मेनू नेविगेटर खुल गया, स्लाइसर तीस स्लाइस इंफॉर्मेशन बटन सर सेट्स के अंदर हाइपरलिंक नहीं है। ओके एक मिनट, अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर इसको अनग्रुप करता हूँ, पहले अनग्रुप हाइफन हटा देता हूँ और इस पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ओके तो फोटो के इस पे हाइपर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। हाइट तो काफी ज्यादा है, 20 सही है, 20 भी ज्यादा है 16 14 सही है। इस पे यहाँ लिंक है, यहाँ लगा सकते हैं बोल्ड लिंक।
अब इस पे हम हटा देते हैं इसको। सेल्स और इस पे भी हाइपरलिंक होगा, इंसर्ट लिंक सेल्स। ये वर्क कैसे करेगा ये? यहाँ पे इससे अच्छा होता है नेविगेटर लगा है। ये वर्क करेगा जब रिपोर्ट बन के जाएगा तो वर्क करेगा, ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। यहाँ अगर हम आते हैं बटन्स में, यहाँ हमारे पास नेविगेटर होता है, पेज नेविगेटर। पेज नेविगेटर में देखिए आ गया होम सॉरी ए। अब इसको जो हम रोटेशंस में लिंक में ये सिर्फ जो है ये देता है हिस्टोरिकल सेल्स। यहाँ पे अगर हम करते हैं सेल्स हाइपरलिंक मतलब पुराने वर्जन में वर्क करता था। अब यहीं पे अगर मैं पब्लिश करता हूँ सेव करके तो क्या होगा? हाइपरलिंक वर्क नहीं कर रहा, पहले वर्क करता था। नहीं वर्क कर रहा, हम इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं। हम एक्शन ऑन करते हैं टाइप बैग।
पेज नेविगेशन देखा आ गया। यहाँ पे हम करते हैं सेल्स, हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक्शन कर, इस पे जैसे हुआ ना होम पे तो रहेगा ही रहेगा, और हम यहाँ इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे पिक्चर्स पे, पिक्चर पे होगा ये, इस पे नहीं होता, शैप में नहीं होगा। एक्शन को ऑन कीजिए और यहाँ पे पेज, यहाँ पे पेज नेविगेशन पे जाइए और यहाँ पे मैंने होम पेज को सेलेक्ट कर लिया। ऐसे नीचे इसकी पिक्चर पे गए और हमने एक्शन ऑन किया और यहाँ पे पेज नेवी, यहाँ पे पेज नेविगेशन और इस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉन्फिगर। ठीक है, ऐसे सब में करना पड़ेगा। इसमें आते हैं हम, इसमें भी कर सकते हैं सेम इसी तरह से। ठीक है, फिट टू पेज, बाकी चीजें शो कर सकते हैं आप वहां पे। ठीक पे जाइए, सेव करते हुए। सेल्स पे है, होम पे क्लिक किए, होम पे पहुंच गया, प्रॉफिट पे क्लिक किए तो प्रॉफिट पर, तीनों को लिंक नहीं किया, बट तीनों को लिंक करेंगे तो आपको एक तरह से आइडेंटिफिकेशन की तरह वर्क करेगा यहाँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफिकल डैशबोर्ड, इसमें हमने कुछ ग्राफिक्स भी यूज किया। अब बताइए इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सा चीज आपको समझ में नहीं है। विदाउट है इसमें, तो ये मैं भेज रहा हूं डेटा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया।